हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7A। और एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन 10 तक के हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व किए, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो देखो, ये ABCD ये हमारा पैरेललोग्राम है और जो यहाँ पर हमारे पास P है ना, ये मिड पॉइंट है DC का। एंड Q इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट CQ इक्वल्स टू 1/4 AC इफ PQ प्रोड्यूस मीट BC एट R, प्रूव दैट R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो, ये भैया ABCD एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में जो ये P है ये मिड पॉइंट है DC का, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये Q है ये एक पॉइंट है AC में और इस पूरे AC का 1/4 है ये QC। QC दिख रहा है, ये 1/4 पार्ट है इस पूरे AC का। आगे क्वेश्चन ने कहा है जो ये PQ दिख रहा है आपको, ये PQ लाइन दिख रही है, ये आगे बढ़ रही है और मिल रही है BC में और जिस जगह पे मिल रही है उस पॉइंट का नाम है R। क्लियर है। और हमें प्रूव करके यही बताना है कि भैया जो ये R दिख रहा है ना, ये R मिड पॉइंट है इस BC का, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसको करेंगे कैसे ये समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ में आ गया, आप करने का तरीका उसको देखो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो जो गिवन था और जो प्रूव करना है वो हमने लिख लिया है और ये हमारा फिगर है, ठीक है। अब इस फिगर को देखते जाओ और कैसे इसे सॉल्व करना है और कैसे यहाँ पर प्रूव करना है कि R BC का मिड पॉइंट है, उसको बहुत अच्छे से समझो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं प्रूफ, ठीक है। को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक लाइन बनानी पड़ेगी DC से DB, ये लाइन हमने बना दी, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ज्वाइन BD या फिर बोलो DB बोलो, एक ही बात है, ठीक है। हमने क्या किया कि एक लाइन बना दी DC जो ज्वाइन कर रही है, ओके, यहां पर लिख दिया ज्वाइन BD। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमारे पास ABCD ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। भैया ये पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम में ये AC और DC ये क्या दिख रहे हैं, ये हो गई हमारे इसकी डायगनल। तो यहां पर लिख सकते हैं द डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखो यहां पर क्या है, ये पैरेललोग्राम है हमारा ABCD, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम में ये हमारे क्या है, ये डायगनल है। अब जो ये डायगनल है ये इस पॉइंट में क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और जिस पॉइंट में बाइसेक्ट कर रहे हैं उसका हम नेम लिख देते हैं, जैसे इसे बोल देते हैं ये हमारा O है। क्लियर है। बस हमने यही लिखा है द डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, किस पॉइंट में बाइसेक्ट कर रहा है, ये O पॉइंट में बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया हमारे पास जो OC है, ये अगर हम इस डायगनल की बात करें AC की, तो इस डायगनल में जो हमें OC दिख रहा है ये बराबर हो जाएगा AO के, ठीक है। ये देखो ये पूरी हमें डायगनल दिख रही है AC, अब यहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं AO इक्वल्स टू हमने लिख दिया यहाँ पर OC। अब यहाँ पर AO इक्वल्स टू OC हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो OC है ये क्या है, इस पूरी AC का हाफ है। ये बात समझ में आ रही, देखो फिर से यहाँ पर AC हमारा क्या, एक डायगनल है। अब इस डायगनल बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारे पास इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, जितना AO होगा उतना OC होगा, ठीक है। और इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा OC है यहाँ पे लिख दिया हमने OC, ठीक है, वो हाफ है, किसका हाफ है भाई, ये हाफ है AC का। ये बात समझ में आ गया, ये बात तो आ रही होगी कि भैया जो OC है ये पूरे AC का कितना है, हाफ है। क्लियर है। तो हम यहाँ पर जो 2 है ये डिवाइड में इक्वल के इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर 2OC हो जाएगा, 2OC इक्वल्स टू हमने यहाँ लिख दिया AC। क्लियर हो गया, 2OC इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर AC। अब देखो हमें गिवन क्या था, हमें यहाँ पर गिवन था CQ बराबर गिवन था 1/4 AC। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं CQ इक्वल्स टू 1/4 AC। और अभी हमने AC की वैल्यू कितनी निकाली है, 2C, ठीक है, 2OC, सॉरी ये क्या है, OC है। तो यहाँ लिखा CQ इक्वल्स टू 1/4, यहाँ पर कर दिया इनटू 2, यहाँ कर दिया OC, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर CQ हमको मिल जाएगा 1/2, यहाँ कर दिया हमने OC कर दिया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो CQ दिख रहा है ये कितना हमें मिल गया, 1/2 OC मिल गया। क्लियर है, चलो इसको देखो, यहाँ पर CQ कहाँ है भाई, देखो ये CQ है हमारा, CQ ये इतना है,
अब ये क्या है, ये हाफ हो रहा है किसका, ओसी का। ओसी यहां से यहां तक है, ठीक है, ये पूरा ओसी है, इस ओसी का हाफ है सी क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ये क्यू है ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, ओसी का। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग क्यू, यहां पर लिख दिया क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ, इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ओसी। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे आओ, देखो जब हमें पता चल गया कि भैया यहाँ पर जो ये Q है ये मिड पॉइंट है, और हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि जो ये P है ये DC का मिड पॉइंट है। अब देखो इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट का ये यहाँ पर जो लाइन खींचेगी ये लाइन क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी DO के, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CDO। अब इस ट्रायंगल में आ गए, अब यहां पर हमने क्या बताया कि जो P है ये क्या मिड पॉइंट है, इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ DC। देखो P हमारा मिड पॉइंट है DC का, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है। और अभी हमने बताया कि जो Q है ये भी क्या है, ये भी मिड पॉइंट है किसका है, ये OC का मिड पॉइंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो PQ है ये पैलर है DQ के, सॉरी DO के। तो यहां लिख दिया हमने PQ, यहां कर दिया हमने PQ, पैलर कर दिया हमने यहां पर, ओके DO के कर दिया। अब इसको फिर से ध्यान से देखो, यहां पर ना PQ हमारा पैलर हो रहा है DO के, तो PQ हमारा आगे ये लाइन बढ़ रही है कहां तक जा रही, R तक। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा PR है ना ये भी पैलर हो जाएगा DB के, मतलब ये पूरी लाइन हमारी क्या है, ये इसके पैलर है, तो ये इसके आगे जाएगी, तो इसका मतलब हो रहा है ये पूरा इसके पैलर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं PR पैलर DB कर दिया, ठीक है। अब फिर से ध्यान से देखो इसमें, अब जब ये पूरी लाइन इसके पैलर है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि OB भी पैलर है QR के, सिर्फ इतनी लाइन OB, ये OB जो दिख रही है ये भी पैलर है QR के। तो यहाँ पर हमने लिख दिया OB पैलर कर दिया हमने QR के। बताओ अब इसमें कोई डाउट है, अगर कोई भी डाउट हो तो भैया कमेंट करके ज़रूर जल्दी से बता देना। अब हम लोग करते हैं इसके आगे, तो यहाँ पर ये पैलर की बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पर अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो COB को, ठीक है। अब इस COB में हमें क्या बताना था कि R मिड पॉइंट है CB का, क्लियर है। तो अब अभी हमें पता चला कि भैया जो QR है ये क्या है, पैलर है, पैलर है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल COB, ठीक है, क्या लिखा हमने, इन ट्रायंगल COB क्यू इज अ मिड पॉइंट, क्यू इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ, भैया किसका मिड पॉइंट है क्यू, ये OC का मिड पॉइंट है, ऑफ हमने लिख दिया यहाँ पर OC, या फिर लिखो CO, ठीक है, अगर दिया OC। एंड अभी हमने बताया कि भैया जो QR है ये भी पैलर होगा OB के, एंड QR पैलर OB कर दिया, क्लियर है। तो Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ OC एंड QR पैलर OB हो गया, क्लियर। अब देखो जब हमारा QR पैलर है OB के तो हम लोग सिंपल से बोल सकते हैं कि R हमारा मिड पॉइंट है BC के। यहाँ लिख दिया R इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। अब यहाँ पर हमें रीजन देना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो यहाँ पर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पर फिगर को देखो फिर समझो। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट था, ठीक है, ये मिड पॉइंट था किसका, DC का, क्वेश्चन में गिवन था। फिर हमने यहाँ पर अभी प्रूफ किया कि जो क्यू है ये भी मिड पॉइंट है CO के, क्लियर है। तो जब ये मिड पॉइंट है, अब इन मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिला देते हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि जो ये लाइन बनती है ट्रायंगल में, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाने में जो लाइन बनती है वो लाइन पैलर होती है ट्रायंगल के तीसरी साइड से, ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर है। मतलब क्या हो रहा है, जो PQ है ना ये पैलर होगा हमारे किसका, DO के, ठीक है, या फिर OD के बोलो, एक ही बात है, इतनी बात समझ में आई। मगर अभी हमने यहाँ पर कहा कि जो हमारा R है ये मिड पॉइंट है किसका, BC के, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर Q हमारा, देखो यहाँ पर
कि हमें इतना पता था कि हमारा सिर्फ मिड पॉइंट है, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट से आगे जो ये लाइन जा रही है, ठीक है, ये आगे लाइन जा रही है, अगर ये लाइन पैरेलल होती इसी ट्रायंगल के दूसरी साइड से, दूसरी तीसरी साइड बोलते हैं, यही लाइन अगर पैरेलल है तीसरी साइड से इसी ट्रायंगल में, तो उस केस में जहां पर ये क्यू लाइन हमारी टच कर रही है दूसरी साइड को, वो पॉइंट हो जाएगी हमारी मिड पॉइंट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं है, कोई डाउट हो तो भैया कमेंट करो, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, कमेंट करके पूछो या फिर इंस्टाग्राम पूछो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12, इन द एडजॉइंट फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर देखो ए बी सी क्या हमारे पास है, ट्रायंगल है। इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये ए बी साइड बराबर है ए सी साइड के। एंड डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑन ए बी, देखो डी और ये ई ना मिड पॉइंट है इस ए बी के, मतलब ए बी के डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच डैट ए डी इक्वल्स टू ए ई, ये साइड बराबर है इसके, ठीक है। सो डैट द पॉइंट बी सी ई डी, बी सी ई डी आर कौन साइक्लिक, भैया ये कौन साइक्लिक क्या होता है, क्वेश्चन ने क्या है, सो डैट बी सी ई डी कौन साइक्लिक, भैया जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि कौन साइक्लिक है क्या, तब तक हम लोग ये कैसे प्रूफ करके दिखा पाएंगे कि कौन साइक्लिक होता क्या, तो पहले पता करते हैं कि कौन साइक्लिक है क्या। तो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को करने से पहले समझते हैं कौन साइक्लिक होता क्या। तो देखो यहाँ पर हमने बनाया एक सर्कल और इस सर्कल के अंदर हमने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल इस सर्कल को टच कर रहे हैं, इस सर्कल को क्या कर रहे हैं, चारों एंगल टच कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम लोग कौन साइक्लिक। और यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि कौन साइक्लिक है ना, मतलब यहाँ पर बताना है कि बी सी ई डी ये कौन साइक्लिक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो ये अपोजिट एंगल है, इन अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर, अगर इन अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हमने प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा कि बी सी ई डी क्या है, कौन साइक्लिक। समझ में आया, फिर से समझो, कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा और उस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल सर्कल को टच कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे कौन साइक्लिक, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो एंगल दिख रहे हैं, कोई भी एंगल, जैसे ये एंगल ले लो और इस एंगल को ले लो, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर कर देंगे तो भी कौन साइक्लिक हो जाएगा, या फिर इन दोनों एंगल का सम हमने 180 डिग्री के बराबर कर दिया तो वो भी हो जाएगा कौन साइक्लिक। मतलब हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कौन साइक्लिक है क्या और कैसे प्रूफ करना है। अब इसे करना कैसे उसको देखो, तो यहाँ पर गिवन क्या है, सबसे पहले देखो ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन, मतलब ये साइड गिवन है और ये साइड गिवन है, कहा गया कि ये साइड बराबर है इस साइड के, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखना, जब कभी भी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है, और AB का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है। तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए डी इक्वल्स टू ए ई, ए डी ये बराबर है ए ई के, ये भी गिवन है, हमें ये प्रूफ करना है कि बी सी ई डी कौन साइक्लिक है, बस इतना, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं प्रूफ में, यहाँ पर हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, हमें गिवन है ए बी बराबर गिवन है ए सी के, और यहाँ पर हमें गिवन है ए डी ये बराबर है ए ई के, ठीक है। ये दोनों हमें गिवन, तो वन और ये बोल दिया इसे सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर दिया, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड बोल दो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने ए बी माइनस कर दिया ए डी, इक्वल्स टू कर दिया ए सी माइनस कर दिया, ओके ये ए ई है, ठीक है, ए सी नहीं ये ए ई है, यहाँ पर कर दिया माइनस ए ई, गॉट इट, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर देखो ए बी क्या, ये पूरा ए बी है, इस ए बी में से ए डी माइनस हो गया तो बचा क्या, ये बचा हमारे पास डी बी, क्या बचा डी बी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने डी बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या ए सी है, इस ए सी में ए ई हमारा माइनस हो गया तो बचा क्या ई सी बचा, तो यहाँ लिख दिया हमने ई और यहाँ कर दिया हमने सी, तो डी बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ई सी हो गया, और इसे हम बोलेंगे ये तीसरी इक्वेशन है। अब तीसरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड डिवाइड थर्ड सेकेंड बाय बाय फर्स्ट, सॉरी थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ए डी हो जाएगा, बाय हो जाएगा यहाँ पर डी बी, इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर ए ई बाई ई सी। अब इसको ध्यान से देखो,
इसको ध्यान से देखो और थेल्स थ्योरम को सोचो। थेल्स थ्योरम क्या होती है, और इसको देखो यहाँ पर क्या ए डी है, ए डी डिवाइड बाई डी बी है। तो देखो ये दोनों, ये जो साइड है ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, इक्वली रेशियो में। अब यहाँ पर हमारे पास क्या ए ई है, ये डिवाइड हो रहा है ई सी से। तो ये जो साइड है ये साइड भी हमारे इक्वली रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। तो भाई ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसके अंदर जो हमारे पास ये लाइन दिख रही है ना, ये पैरेलल हो जाती है इसके। तो यहाँ पर लिख देंगे डी ई, डी ई पैरेलल बी सी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर हो गया इतनी बात? तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है, अब ये देखो ये इन दोनों के इक्वल पैरेलल हो गए। तो यहाँ पर जो एंगल दिख रहा है डी, और यहाँ पर एंगल दिख रहा है बी, ये दोनों एंगल क्या दिख रहे हैं हमें, इंटीरियर एंगल दिख रहा है। और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो यहाँ लिखेंगे एंगल डी प्लस कर दिया एंगल बी इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पर रीज़न भी देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, इज ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गया इतनी बात? तो यहाँ पर डी प्लस बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास यहाँ पर 180। तो अब ध्यान से देखो, जो गिवन था हमारे पास यहाँ पर जो बी था ना वो बराबर है सी के, ये बात हमने अभी बताई क्यों बराबर है। तो जहाँ पर बी है तो बी की जगह पे हम सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमने यहाँ लिखा डी प्लस एंगल यहाँ पर सी कर दिया इक्वल्स टू कर दिया 180। तो देखो यहाँ पर एंगल डी हमारे पास कौन सा, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल। देखो ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, और इन अपोजिट एंगल का देखो सम हमें कितना मिल गया, यहाँ पर 180 मिल गया। क्या मिल गया, 180 मिल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हुआ है, ये हमारे पास है कौन, साइक्लिक। ठीक है, या फिर इसमें अभी और भी लिख सकते हो, पहले इसका रीज़न दे देते हैं। रीज़न हो जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह एंगल डी प्लस एंगल सी 180, तो इसी तरह सिमिलरली एंगल हम लोग लिख सकते हैं डी और सॉरी बी प्लस कर दिया एंगल ई इक्वल्स टू 180। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो है बी सी डी, बी सी ई एंड डी इज अ कौन साइक्लिक। ठीक है, बस यही हमें प्रूफ करना था। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछा करो। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन 13, इन अ ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स एसी एट डी। अ लाइन पीक्यू पैरेलल एसी मीट एबी बीसी एंड बीडी एट पीक्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली सो दैट पीआर इनटू बीक्यू इक्वल्स टू क्यूआर इनटू बीपी। तो इसको देखो है का, देखो पीआर, ये पीआर है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी क्यू, यहां पर है बी, ये इससे पी आर मल्टीप्लाई हो रहा है बी क्यू से, और क्यू आर ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी पी से, इससे। बस हमें ये प्रूफ करना है, बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में हम लोग यहां पर यूज कर देंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जहां हम लोग यूज करेंगे तुरंत हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तीन चार ही लाइन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर देखो हमारे पास गिवन है बी डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। देखो बी डी है हमारे पास, ये बाइसेक्ट कर रहा है किस एंगल को, बी को। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल जो बाइसेक्ट हो रहा है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इसको वन बोल देते हैं, इसको टू बोल देते हैं, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, क्लियर है। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो पी क्यू है ये पैरेलल है, ये पैरेलल है ए सी के, और हमें प्रूफ करना है ये। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये पूरा जितना भी है ना ये पूरा आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल को लेके सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ लिखा प्रूफ, यहाँ लिया हमने इन ट्रायंगल पी बी क्यू ले लिया। ठीक है, ये वाला हमने ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले बोल देंगे जो बी आर है, बी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी बोल दिया। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो पी आर है बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो पी आर है वो डिवाइड हो जाए किससे, आर क्यू से, और यहाँ पर हमारे पास जो बी पी है वो डिवाइड होगा बी क्यू से बाई, यहाँ लिख दिया हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहाँ लिखा बाई एंगल बाइसेक्टर
थ्योरम। क्लियर है? तो यहां पर पी आर डिवाइड बाई आर क्यू इक्वल्स टू बी पी डिवाइड बाई हो गया यहां पर बी क्यू। तो अब सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिंपल से ये देखो डिवाइड में इधर ले जाओ, तो यहां पर हो जाएगा पी आर मल्टीप्लाई हो गया यहां पर बी क्यू। और कुछ समझना ही नहीं है, बस सिंपल से यही लिख देना है। तो यहां पर बी पी मल्टीप्लाई हमने कर दिया आर क्यू, क्या हो गया बी पी मल्टीप्लाई हमने कर दिया आर क्यू, और पी आर मल्टीप्लाई हो गया बी क्यू। देखो हमें यही प्रूफ करना था, देखो कितना सिंपल हो गया, तीन लाइन में हो गया, बस हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दी और हमारा आंसर हो गया सॉल्व। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो भैया कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करो। और अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7B। ठीक है, तो 7B को पढ़ने से पहले आप थोड़ी सिमिलैरिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या होते हैं, ये सब पढ़ लेना, फिर आते हैं इसके सोल्यूशन पर। और जब हम सोल्यूशन बनाएंगे ना, उससे पहले आपको ये सब बता देंगे, ये सब होता क्या है, कैसे करना है। क्लियर है? तो अगली वीडियो में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, अगली वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7B। तो यहाँ पर है हमारे पास एक्सरसाइज 7B। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।